वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने ग्रहण किया पदभार। मंत्रालय भवन में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अपनी मां तारा शर्मा को सबसे पहले अपनी कुर्सी पर बिठाया, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी ने। हमारे साथ इस समय मौजूद है वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी। आपने आज मलमास समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण किया, सबसे पहले तो भाई साहब बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप परम गौभक्त हैं संजय जी, और किस तरह की प्राथमिकता रहने, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विभाग है वन एवं पर्यावरण की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें। ये सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे आपने सौंपी है और वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसा विभाग मुझे सौंपा है, निश्चित रूप से इसमें काम करने का बहुत मौका मुझे मिलेगा। और जिस चुनौती की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा होगा वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य की सुरक्षा और वहाँ रहने वाले ग्रामवासियों के अधिकारों की सुरक्षा, साथ ही साथ वन्य के माध्यम से पर्यावरण के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिले और बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिले। हाँ, चूंकि आपके पास पर्यावरण विभाग भी है, प्रदूषण मंडल भी उसमें आता है, प्रदूषण को नियंत्रण करना, कार्बन उत्सर्जन को रोकना, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल है, नीचे जाता जा रहा है, प्रकृति संरक्षण बहुत जरूरी है, खासकर कोरोना के बाद जिस तरह की स्थिति थी, तो उसको लेकर के कोई और इस तरह का प्लान हुआ, या इस दौर में आपने एक महीने की इस अवधि में अधिकारियों से बातचीत की, कोई प्लान तैयार करने की बात हो, 100 दिवसीय कार्य योजना की बात करें। देखिए, मैं अधिकारियों से जब से मुझे विभाग मिला है अधिकारियों से लगातार संपर्क भी रहा हूँ, अधिकारी मुझसे आके मिले भी हैं, और बहुत जल्दी राजस्थान, क्योंकि जिस जिले से मैं आता हूँ वहाँ बड़े बड़े उद्योग भी हैं और वो पीड़ा मैं जानता हूँ, पॉल्यूशन की भी, मान प्रदूषण के बारे में जानता हूँ। विशेष रूप से दिल्ली में जब प्रदूषण होता है तो हम पे सारी पाबंदियाँ लगती हैं, विशेष रूप से अलवर जिले के अंदर। अब चूंकि मंत्रालय आया है, आज मैं विधिवत यहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ, अधिकारियों से मैंने पहले भी जानकारी ली है, और आने वाले समय में राजस्थान प्रदूषण मुक्त हो, आम जन को स्वच्छ हवा मिले और सुंदर राजस्थान दिखे, उसके लिए पूरा प्रयास हमारे द्वारा किया। एक अंतिम सवाल भाई साहब, चूंकि आज तो मौका भी इस तरह का है, आप तो पांडुपोल की धरती से हैं, आप तो भर्तरी की धरती से हैं, आप तो करणी माता की धरती से हैं, धार्मिक पर्यटन और इन स्थलों को जोड़ते हो, क्योंकि वन क्षेत्र में सरिस्का आपके, आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, तो इन सबको कैसे समन्वय में करेंगे, इसको लेकर कोई प्लान? पूरा राजस्थान, मैं तो कहूँगा एक पूरे राजस्थान में बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको हम पर्यटक के रूप में भी अगर डेवलप करते हैं तो एक बहुत बड़ा स्थान राजस्थान को पूरे भारत में नहीं अपितु विश्व में स्थापित करने का प्रयास हमको करना चाहिए और हम करेंगे भी। जिस क्षेत्र की आपने करी सरिस्का वन्य क्षेत्र की, वो पौराणिक काल से एक बहुत ऐतिहासिक जगह है जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो सरिस्का वन्य क्षेत्र में होते हुए भी पर्यटन के दृष्टिकोण से अभी अलग रखे हुए हैं। चूँकि उस ज़िले से मैं आता हूँ और मेरी महती प्रयास होगा कि मैं उस ज़िले का होने के नाते और उस क्षेत्र को राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, अभी तो विश्व के मानचित्र पर स्थापित करूं, जिससे हमारे ज़िले को पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। और चूंकि राजस्थान की जिम्मेवारी है, तो प्रयास ही होगा कि राजस्थान का जो हमारा वन्य अभयारण्य है, जो हमारा वन्य क्षेत्र है, जो पर्यटन स्थल हमारे वन्य क्षेत्र में है, उनको भी मानचित्र पर स्थापित करके टूरिज्म को भी बढ़ावा बढ़ेगा, धार्मिक आस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, और निश्चित रूप से प्रयास सार्थक प्रयास किया जाएगा। एक बार फिर बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामना भाई साहब। तो आप देख सकते हैं, आप में संजय शर्मा जी, आपका कहना है साफ तौर पर कि चूंकि प्राथमिकता उनकी वन और वन्यजीव संरक्षण रहेगा, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज वन पर्यावरण विभाग की कमान सही हाथों में है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही नवाचार विभाग में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट जयपुर।